Hi everyone, this is Neetu Singh from Unacademy, and today we are here for one of the very important topic, that is a Venn diagram, and it is one of the very important part of the reasoning. But before moving ahead, I would like to introduce myself. So my name is Neetu Singh, and yes, I'm an electrical engineer. I do have an experience of 10 years in teaching, and recently I have qualified CTET paper 1, paper 2. I have already cracked 3 competitive examination of the SSC, that is the FCI, Food Corporation of India, then FCI, Food Corporation of India, Sub-Inspector CISF, as well as MTS examination. And yes, as I already told you that now I do have a teaching experience of 10 years. So I taught for the SSC, Railway, CTET, UPTET, SuperTET, Lower State, PCS, ICC, as well as NTSC. Because I started my teaching from foundation to the highest competitive level examination. I have mentored 10,000 plus students, and most of the students are placed in the government job, as well as they have done quite well. चलो बच्चा तो चलते हैं जरा हम चलेंगे आज के टॉपिक पर जो कि है हमारा वेन डायग्राम. आई होप आप सब जो है काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और बाकी जो हमारा ये टॉपिक है वेन डायग्राम काफी इजी टॉपिक है ना. अगर आप सबको लगता है कि कुछ भी अगर आपको डिस्कशन करना है कहीं डाउट है तो वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं. मैं अपने पढ़ाने की स्टाइल के बारे में कुछ बता देती हूँ कि मुझे लगता है कि जो भी आप टॉपिक आप पढ़ते हैं उसको पहले टॉपिक को समझना ज्यादा जरूरी है कि टॉपिक आपको बेसिक से समझ में आए. मैं अपनी कभी भी मेंटल एबिलिटी की जो क्लास होती है मैं हमेशा बेसिक से स्टार्ट करके बेसिक मीडियोकर एंड देन विल मूव टू द हायर लेवल ऑफ द क्वेश्चन ताकि आप इंडिया के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में अगर आप बैठते हैं राइट फ्रॉम ये जो आपके एसएससी बैंकिंग देन स्टेट पीसीएस ये जो एग्जामिनेशन में अगर आप बैठते हैं एटलीस्ट यू वुड बी एबल टू कवर ऑल द टॉपिक्स ओवर हियर. क्योंकि अगर आप स्टेट पीसीएस में भी देखेंगे तो जनरलाइज क्वेश्चन आते हैं जहां पर अगर आपको बेसिक्स के अगर आपको आइडिया है तो वहां से भी आप रीजनिंग वाला पोर्शन भी आप कवर कर सकते हैं. बाकी के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो आपने देखा ही होगा इस टॉपिक की रेलिवेंस काफी अच्छी है ना. तो चलते हैं जरा टाइम अपने पास थोड़ा सा कम है लेकिन टाइम को देखते हुए चलते जरा टॉपिक की शुरुआत करते हैं. बच्चा देखो जरा वेन डायग्राम में ना आपको अलग अलग सिचुएशंस दी जाएंगी. फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ उसके बाद से आपको समझाती चलती हूँ है ना. तो एग्जांपल है आपके सामने अगर आपको बोला जाए वर्ल्ड है देन आपका इंडिया है उसके बाद से दिल्ली है. करेक्ट ये 3 वर्ड आपको दिए गए हैं. अब ये जो 3 वर्ड है ना इनको एक जेनरिक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आप देखेंगे इनका रिलेशन पहले आपको फाइंड आउट करना है. तो हमें ये समझ में आता है रिलेशन अगर देखें तो वर्ल्ड के अंदर इंडिया है इंडिया के अंदर दिल्ली है ऐसा ही होता है. अब आपको 5 फिगर दी हुई होगी वो फिगर्स मैं बता देती हूँ. कई जगह 4 हो सकती है कई जगह 5 हो सकती है. तो मैं आपको दिखाती हूँ आपके सामने इस तरीके की सिचुएशन में आपको फिगर्स मिल सकते हैं. ये है ए ऑप्शन. दूसरा अगर आप देखते हैं तो ये आपको इस तरीके की फिगर मिल सकती है बी ऑप्शन. सी ऑप्शन में अगर आप देखें तो आपको एक ऐसा ऑप्शन मिल सकता है डी ऑप्शन. यानी जो पॉसिबिलिटीज मैं बता रही हूँ जहां पर चांसेस होते हैं कि इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं. और ई ऑप्शन में अगर मैं आपसे करती हूँ तो यहाँ पर यह भी हो सकता है कि दो लोग एक तरीके के पार्ट है और एक बिल्कुल अलग है. ये आपके सामने इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है. क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका 2 तरीके हैं. पहला या तो आप यहाँ पर आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से आप जाइए विच विल टेक योर टाइम है ना. और दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्टली लॉजिक वाइज जाते हैं. जैसे अगर मैं डायरेक्ट लॉजिक वाइज अगर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगी दिमाग आप ये देखिए. मैंने ये देखा कि इनका रिलेशन क्या था. सबसे पहले मेरा होल सोल कॉन्सेंट्रेशन होगा आई नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द वर्ल्ड इंडिया एंड दिल्ली. देन आई अंडरस्टूड कि इंडिया इज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड एंड सिमिलरली दिल्ली इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडिया. करेक्ट है. तो मुझे साफ साफ समझ में आता है कि भाई मैंने ये वर्ल्ड बनाया वर्ल्ड के अंदर इंडिया और इंडिया के अंदर दिल्ली. इसका मतलब सी वाला ऑप्शन मेरा बिल्कुल 100% एप्रोप्रिएट है. एम आई राइट और रॉन्ग मानते हो कि नहीं मानते हो भाई सारे बच्चे पार्टी. करेक्ट है क्लियर है इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं ना. चलो वेरी गुड वेल डन. लेकिन अगर आपके पास अगर आपको लगता है कि डायरेक्ट आंसर नहीं आ रहा है क्योंकि जो भी क्वेश्चंस होते हैं 3 तरीके के सिनेरियोज हो सकते हैं. अगर आपके पास 100 क्वेश्चन है देयर आर हाई चांसेस 60-70 क्वेश्चन जो होंगे आपके उसमें आपका जो है एक्यूरेसी लेवल काफी अच्छा होगा. 70-90 पोर्शन में मीडियोकर लेवल 50-50% डाइसी वाली सिचुएशन 10% की लग रहा है टफ है थोड़ा और फाइट करनी पड़ेगी. जब भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन करते हैं एक एक मिनट आपके लिए इवन 30 सेकेंड्स भी बहुत मैटर करता है.
टॉपर और जो दूसरे बच्चे उनके अंदर यही डिफरेंस होगा कि जो टॉपर होगा उसकी स्ट्रेटेजी होगी कितना ज्यादा से ज्यादा मैं टाइम बचाकर जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करूं. करेक्ट है. तो ऑप्शन एलिमिनेशन वाला मेथड वहां करेंगे जहां पे स्टक हो गए. करेक्ट है. चले दूसरे वाला सिनेरियो देखें. तो आपको एक चीज तो ये समझ में आ गई कि ये किस सिनेरियो में बनेगा. करेक्ट है. अब मैं आपको दूसरे वाले पोर्शन पर बच्चा चलूंगी जहां मैं दूसरी एक सिचुएशन है मैं वो आपको दिखा देती हूँ ताकि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे कर सकते हैं, है ना. तो चलती हूँ मैं, जरा दूसरा एक क्वेश्चन है, जरा मैं वहां पर चलूंगी और एक बार क्वेश्चन आपसे डिस्कस करती हूँ. देखो जरा एक और यहाँ पर है, ये देखते हैं. ये आपके पास है यूनिवर्स का, अर्थ का और यूरोप का. तो अगर आप देखेंगे अगेन सिमिलर रिलेशन जैसा ही दिख रहा था आपको. पहले रिलेशन समझेंगे क्या यूनिवर्स, अर्थ और यूरोप के बीच क्या रिलेशन है. तो वी कैन अंडरस्टैंड कि अर्थ जो है वो यूनिवर्स का ही पार्ट है. यानी यूनिवर्स एक बड़ा होगा उसके अंदर अर्थ हो जाएगा. यूरोप यानी ये कॉन्टिनेंट है, क्या ये अर्थ से अलग है? नहीं, अर्थ के पास ऊपर ही आपका ये कॉन्टिनेंट है, ये अर्थ के अंदर ही ये कॉन्टिनेंट है. तो वी कैन डायरेक्टली गो कि भाई ये वाला ऑप्शन हो जाएगा. करेक्ट. तो फर्स्ट टाइप वाला क्वेश्चन हो गया. दूसरा मैं कुछ और एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ, यहाँ पर जो क्वेश्चन के ऑप्शन है उसी के हिसाब से बताती हूँ. अब आप सोचो कि अगर आपके पास एक इस तरीके का फिगर अगर दिया है तो ये किस सिनेरियो में बन सकता है. ये उस सिनेरियो में बन सकता है जब तीनों का आपस में कोई रिलेशन ना हो. अगर ऐसा बोला जाए, एक स्कूल में कुछ बच्चे हैं जो केवल हिंदी बोलते हैं, एक स्कूल में कुछ बच्चे हैं जो केवल इंग्लिश बोलते हैं, और उसी स्कूल में कुछ बच्चे हैं जो फ्रेंच बोलते हैं. आपस में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है कि जो मिक्स लैंग्वेज बोलता हो या दो लैंग्वेज बोलता हो. आ गया समझ में? तो क्या हम ये वाला ऑप्शन कर सकते हैं? भाई बिल्कुल कर सकते हैं. करेक्ट है. ओके. फिर अगर इस तरीके का फिगर दिया हो, ये किस सिचुएशन में आपके सामने आ सकता है? ये उस सिचुएशन में आ सकता है अगर आपको बोला जाए ये हो गया क्लॉथ, ये हो गया शर्ट और ये हो गया पैंट. इसका मतलब क्या हुआ, कैसे किया हमने? एक एग्जाम्पल लिया, क्लॉथ जो है शर्ट और पैंट तो दोनों कपड़े हैं, तो इसका मतलब शर्ट भी क्लॉथ का पार्ट हो गया, पैंट भी क्लॉथ का पार्ट हो गया. लेकिन क्या शर्ट और पैंट में सिमिलैरिटी है क्या? नहीं. शर्ट अलग कैरेक्टरिस्टिक्स आपको शो करता है, पैंट अलग करता है. यानी आपको ये भी समझ में आ गया, यानी दो कंडीशन तो हमने कर. अब दिमाग में आता है कि मैम ये वाला जो क्वेश्चन है ये किस टाइप के क्वेश्चन के लिए आता होगा. अब इसका एग्जाम्पल समझो, सेम कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फ्रेंच बोलते हैं, और ये कॉमन वाला पार्ट, कुछ बच्चे ऐसे जो हिंदी और फ्रेंच दोनों, इंग्लिश और फ्रेंच दोनों बोलते हैं. ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? डन. भाई किसी भी बच्चे को अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं मुझे, ताकि मुझे भी समझ में आ जाए कि अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी कोई डाउट होगा ना, तो मेरे लिए ना बच्चा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका डाउट ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो हम वहां से आपको जो है डाउट क्लियर करके फिर मैं आगे बढ़ूंगी. ठीक. नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर अगर आप देखें कि मैम ये वाला आप बताइए कि ये वाला किस सिचुएशन में हो सकता है, तो इसके लिए मैं एक काम कर सकती हूँ. आप देखो जरा, दिमाग लगाना कि इसमें क्या क्या सिनेरियो हो सकता है. अगर मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ये है आपका इंडिया, दूसरा मैंने यहां पर ले लिया दिल्ली, और ये रहा यूएसए. कर सकते कि नहीं कर सकते? इंडिया के अंदर दिल्ली, दिल्ली इज अ सब पार्ट ऑफ इंडिया, बट यूएसए एक अलग कंट्री. हो जाएगा क्या? आपको ये सारी सिचुएशन समझ में आ गए? चलते हैं थोड़ा और क्लैरिटी के लिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं. आई थिंक वहां से हमारा जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है वो काफी अच्छा होता हुआ चला जाएगा. तो लेट्स मूव अहेड. बच्चा ये देखेंगे आप जरा, अब आप अपने सामने देखो जरा कि ये आपके सामने है पिक्चर, टीवी एंड रेडियो. तो अगर आप देखें कि पिक्चर, टीवी एंड रेडियो के लिए, तो आपको क्या समझ में आएगा कि टीवी के अंदर ऑडियो और वीडियो दोनों देखे जाते हैं, रेडियो के अंदर सिर्फ ऑडियो सुना जाता है. एम आई राइट और करेक्ट है? तो यहाँ पर आपके पास क्या कर सकते हैं, अगर मैं डायरेक्ट अगर मैं कॉन्सेप्ट वाइज जाऊंगी तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यस, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन. कि पिक्चर, टीवी और रेडियो में अगर मैं जाऊं तो भाई ये है जो कि मेरा टीवी है, टीवी के अंदर हम यहाँ क्या कर रहे हैं, जो कि पिक्चर हो जाएगा, और रेडियो वाला अलग ऑप्शन तो है ही है. करेक्ट. वेरी गुड, वेल डन. चलो बच्चा बाटी, इसका मतलब है क्वेश्चन तो समझ में आ रहे हैं, है ना? मजा आ रहा है ना? चलते जरा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर. ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देखते हैं कि कौन सा बच्चा है जो इसमें सही ऑप्शन कर सकता है. ये रहा नेक्स्ट आपके सामने. इसमें अगर आप देखें लिविंग बीइंग, एनिमल और मैन, ओ तो अब क्या लगता है? पहले रिलेशन देखेंगे, लिविंग बीइंग, एनिमल और मैन का क्या रिलेशन है. तो मुझे क्या समझ में आया, क्या एनिमल लिविंग बीइंग है? यस करेक्ट है. क्या मैन लिविंग बीइंग है? यस करेक्ट है.
क्या इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन है? अच्छा नहीं, एनिमल अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, मैन अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका मतलब मुझे लगता है यार ये वाला ऑप्शन तो पक्का होना चाहिए था। कैसे? देखो जरा, ये हो जाएगा आपका लिविंग बींग, ये हो जाएगा एनिमल और ये हो जाएगा मैन। एम आई राइट और रॉन्ग? करेक्ट है। चलो अब देखते हैं बाकी और ऑप्शन क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये भी दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए। एक बार अगर ये भी समझ में आ गया और सारे ऑप्शन क्यों नहीं होंगे, फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो चुका होगा और आप क्वेश्चंस पर डायरेक्टली आप क्वेश्चन देखकर आप आंसर तक आप पहुंच सकते हैं। देखिए बच्चा, लिविंग बींग के अंदर केवल एनिमल तो हो नहीं सकता था या मैन नहीं हो सकता था, तो ये ऑप्शन गलत था। लिविंग के अंदर एनिमल करके मैन कर देंगे तो ये भी नहीं हो सकता है। अब एनिमल के अंदर मैन तो नहीं होता, ना मैन के अंदर एनिमल होता है, तो ये भी नहीं हो सकता था। यहाँ देखो कि लिविंग बींग, आधा लिविंग और आधा नॉन लिविंग मैन और एनिमल, ये तो पॉसिबल ही नहीं था। और आप सोचे कि एनिमल को अलग करिए, लिविंग को अलग करिए, मेन को अलग करिए, दैट वाज आल्सो नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब बेस्ट ऑप्शन यही था। आगे समझ में? चलो बच्चा पार्टी, चलते हैं जरा आगे वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आपको काफी मजा आने वाला है। ये देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रेडियो, टीवी एंड सिनेमा हॉल। बच्चा जब भी आप देखेंगे यहाँ पर जनरलाइज इन्फॉर्मेशन ही हम देखते हैं, जैसे रेडियो ऑडियो आप देखते हो, टीवी पर आप क्या देखते हो? ऑडियो और वीडियो। सिनेमा हॉल एक बहुत बड़ी सी स्क्रीन आपको दिखेगी। करेक्ट है, यानी तीनों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चा, वो आपकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो विल गो फॉर दिस वन, क्योंकि रेडियो का एक अलग फीचर है, टीवी का एक अलग फीचर है, सिनेमा हॉल का एक अलग फीचर है। कुछ लोगों के दिमाग में आ सकता है मैम सिनेमा हॉल के अंदर टीवी कर देते हैं। बच्चा टीवी की एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, सिनेमा हॉल एक बहुत बड़ी स्क्रीन पर प्रोजेक्टर लगाकर उसको देखते हैं, उसका एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। आगे समझ में? चलो भाई, वेरी गुड, वेल डन, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं जरा, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। ये रहा नेक्स्ट आपके सामने, जरा देखते हैं, रेसिडेंस, रेसिडेंट और रोल। एक चीज और है, जब भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन करते हैं, यू नीड टू थिंक ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, जो भी आपका पैर पकड़ के पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है। जैसे वोकैब एक बहुत ऐसा इश्यू है, जो कि कुछ बच्चे हैं जो वोकैब में कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम होती है। तो जैसे आप डेली नाश्ता लेते हैं, वैसे ही डेली नाश्ते में आपके ना कहीं ब्रेकफास्ट में, स्नैक्स में आपके पास क्या होना चाहिए? 5 या 10 वोकैब डेली आपको रिविजन करना चाहिए, उसको यूज इन प्रैक्टिस करना चाहिए। यानी यूज इन सेंटेंस करते हैं ना, उससे क्या होता है, वो वोकैब आपको थोड़ा मेमोराइज होता है। एटलीस्ट मिनिमम 5 तो रिक्वायर्ड है अगर आप करते हैं। मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि वेन डायग्राम या मेंटल एबिलिटी में भी कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जहां पर आपको वोकैब की जरूरत पड़ेगी, तो उस वोकैब को आप अपनी लिस्ट डाउन या जॉट डाउन करते जाएंगे। तो यहाँ देखते हैं, पहला आपसे पूछा गया कि भाई यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, रेसिडेंस, रेसिडेंट और रोड के लिए। तो अब आप समझना कि यहाँ अगर मैं देखूं इस वाले ऑप्शन में, पहले वाले ऑप्शन में मुझे क्या समझ में आ रहा है कि रेसिडेंस के अंदर ही रेसिडेंट रहता होगा। रेसिडेंस कौन सा हो गया? एक घर जहां पर जनरली रहा जा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? रेसिडेंस, है ना। उसके अंदर रह कौन रहा होगा? जो रेसिडेंट होगा, यानी जो रहने वाला होगा, उसी घर के अंदर तो रह रहा होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? तो रेसिडेंस के अंदर रेसिडेंट जो है वो आपका रह रहा होगा, लेकिन जो रोड होगा बच्चा, वो तो घर से अलग ही होता है ना। एम आई राइट और करेक्ट है? आ रहा है सबको समझ में? वेरी गुड, वेल डन। देखा जरा कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, साथ के साथ बहुत मजा आता है क्वेश्चन को मेंटल एबिलिटी करने में ना, इतना इंटरेस्टिंग है। देखो जरा ये कितना इजी बच्चों वाला क्वेश्चन लगने लग गया हमें, वेन डायग्राम इतना आसान सा हो गया। कॉपी, स्टेशनरी और कार, ये तो सबको समझ में आता है भाई। स्टेशनरी के अंदर कॉपी आएगा लेकिन कार तो नहीं आएगा। कैन वी गो फॉर दिस वन की मैम ये तो स्टेशनरी है, ये वाला तो कॉपी है, और ये वाला क्या हो गया? ये तो कार हो गया। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर आपको देता कॉपी, स्टेशनरी और पेंसिल, तब आप क्या डायग्राम बनाते? मैम ये स्टेशनरी होती, ये कॉपी होती, ये पेंसिल हो जाता। करेक्ट है भाई? आ रहे सबको समझ में? क्लियर है ना? Yes, देखा, एक बार कॉन्सेप्ट अगर आ गया ना तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बता रही हूँ मैं। बाकी लाइक और कमेंट करते रहना ताकि मुझे भी समझ में आए, मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है। चले आगे वाले क्वेश्चन पर। वेरी गुड, लेट सेट गो। तो ये रहा क्वेश्चन हमारे सामने, कोल माइन है, फैक्ट्री है और फील्ड है। अब दिमाग लगाना है कि इसमें हम क्या काम कर सकते हैं। अब सोचो जरा, अगर आप ऐसे सोचो कि जो कोल माइन है वो कहाँ मिलेगा, फैक्ट्री कहाँ मिलेगा और फील्ड कहाँ मिलेगा, खुद से सोचो जरा क्या क्या हो सकता है। एक चीज ध्यान रखेंगे, पहली बात तो जो कोल माइन है वो भी कहीं ना कहीं किसी फील्ड पर होगा, जो फैक्ट्री है वो भी फील्ड पर होगा, लेकिन कोल माइन के ऊपर फैक्ट्री तो नहीं होगा, आसपास ही होगा। जब हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पढ़ते हैं तो जहाँ इंडस्ट्री जो वहीं सेटअप की जाती है जहाँ रॉ मटेरियल होता है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अब मैं अगर ऑप्शंस को देखती हूँ तो मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन बच्चा ये क्यों दिखता है, क्योंकि देखो जरा ये हो गया फील्ड। अब फील्ड पर ही कोल माइन होगा, फैक्ट्री पर ही, फैक्ट्री भी फील्ड पर होगी, लेकिन
कोल जो माइन होगा इसका मतलब है कोयले की खदान जो है वो वहीं कहीं आसपास ही होगी। फैक्ट्री जो होगा वो भी कहाँ पर होगा, फील्ड पर होगा। अब आपके दिमाग में आए मैम फैक्ट्री को कोल माइन के ऊपर कर दे, अरे बेटा कोयले की खदान निकालोगे उसके लिए ऊपर फैक्ट्री थोड़े बना देंगे आप। आ रहा है सबको समझ में, क्लियर हो गया? इसका मतलब है फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड्स, वर्ड्स के बीच में क्या रिलेशन है। अगर वो समझ में आ गया ना भाई, वेन डायग्राम का चुटकियों का काम है, ऐसे ऐसे सॉल्व कर सकते हो आप। एक बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फिर मीडियोकर लेवल, फिर उससे बड़े लेवल सारे क्वेश्चन है मेरे पास में, वो सारे क्वेश्चन करेंगे। अभी इसलिए कर रहे हैं ताकि सारे क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाए कि कहाँ कहाँ पर किस किस टाइप के क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। चलते हैं जरा, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अरे बड़ा ही आसान सवाल है, अब तो मेरे बहुत इजी हो गया। खुद बताओ जरा, क्लॉथ हो गया, साड़ी हो गया, धोती हो गया। भाई अभी बताया था ना आपको कि क्लॉथ साड़ी और धोती में क्या दिखेगा, भाई ये हो गया क्लॉथ, हो गया ये, हो गया साड़ी, ये हो गया धोती। अब दिमाग में आता है मैम बाकी और ऑप्शन भी चेक करते हैं, तो देखो क्लॉथ अगर साड़ी या धोती का पार्ट है तो दूसरा वाला पोर्शन अलग थोड़े हो जाएगा, तो ये तो बिल्कुल गलत था। क्लॉथ के अंदर साड़ी, साड़ी के अंदर धोती, बेटा ये ऐसा नहीं होता है। ये उसकी जगह इसका एक एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल बता दूं, जैसे मैंने बताया यूनिवर्स हो गया, यूनिवर्स का पार्ट क्या हो जाएगा आपका अर्थ हो जाएगा, अर्थ का पार्ट, अर्थ के अंदर ही आपके पास क्या हो जाएगा इंडिया, यूनिवर्स अर्थ इंडिया अगर दिया हो तो इस तरीके से आप बिल्कुल कर सकते हैं। आ रहे हैं सबको समझ में, डन, वेरी गुड। आगे चलते जरा मैम इस वाले में, बेटा क्लॉथ साड़ी और धोती कपड़े का ही बना है तो हमेशा क्लॉथ बड़ा होगा, साड़ी और धोती उसके अंदर ही होगी, करेक्ट है, क्लियर है ये? आ रहा है ना समझ में, मजा आ रहा है, वेरी गुड, वेल डन। चलते जरा क्विकली जरा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। चैप्टर बुक एंड टॉपिक, अगेन वन ऑफ द वेरी 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक की भाई ये देखो ना कितना आसान सा सवाल है। मैम ये रहा बुक, बुक के अंदर हो गया चैप्टर, चैप्टर के अंदर हो गया टॉपिक, हो गया देखा आ रहे समझ में, वेरी गुड यार, वेरी गुड, वेल डन, बहुत बढ़िया, बहुत इजी सा क्वेश्चन होता हुआ चला जा रहा है, हमें कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहे हैं। बॉयज क्लास एंड गर्ल्स, आराम से समझ में आया मैम। देखो ना क्लास तो हमारे पास बड़ा होगा क्योंकि क्लास के अंदर ही बॉयज होंगे और गर्ल्स होंगे, तो बॉयज अलग हो जाएगा, गर्ल अलग हो जाएगा। देखा यार, मतलब 15 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन हो रहे हैं, मानते हो कि नहीं मानते हो भाई, हो रहे कि नहीं हो रहे 15 सेकंड के अंदर, वेरी गुड, वेल डन, बहुत बढ़िया। ये रहा नेक्स्ट आपके सामने, टी कॉफी एंड ड्रिंक, अगेन मुझे लगता है भाई बड़ा ही आसान सा सवाल मैम, इतना इजी सवाल भाई, यहाँ देखो जरा, ये रहा ड्रिंक हो गया, ये टी की अलग कैरेक्टरिस्टिक, कॉफी की अलग कैरेक्टरिस्टिक, राइट और रॉन्ग, क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई, जरा जल्दी जल्दी बताओ। चले जरा और क्वेश्चन सॉल्व करी जरा, चलते भाई नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये रहा नेक्स्ट हमारे सामने और देखते हैं कौन सा बच्चा मुझे सही जवाब देगा। क्रिमिनल थीफ एंड पिक पॉकेट, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है और ये क्वेश्चन अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आपके पास आ चुका है। देखो जरा बच्चा, इसमें अगर आप देखोगे ना तो बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है और क्वेश्चन एग्जाम में वही आता है जहाँ फंसने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ देखोगे तो आपको एक चीज तो समझ में आएगी, देखो क्रिमिनल थीफ और पिक पॉकेट, थीफ मतलब होता है चोर, पिक पॉकेट जो पॉकेट मारता है, तो ये दोनों ही क्रिमिनल है, तो इसका मतलब है बेटा ये हो जाएगा क्रिमिनल। कुछ थीफ ऐसे हो सकते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप वेन डायग्राम बनाओगे, जब मैं आगे के लेवल बाय लेवल क्वेश्चंस कराऊंगी तो आपको समझाऊंगी कि हम हमेशा जनरलाइज सिचुएशन लेते हैं, सारी पॉसिबिलिटी मान के चलते हैं। तो जो थीफ हो सकता है, थीफ माइट बी कि कुछ थीफ ऐसे हो जो पिक पॉकेट हो, कुछ चोर ऐसे हैं जो आपकी जो जेब कतरे होते हैं वो हो सकते हैं, पिक पॉकेटर हो सकते हैं, कुछ हो भी सकते हैं कुछ नहीं भी हो सकते हैं। कुछ थीफ ऐसे हैं जो पिक पॉकेट नहीं है, कुछ पिक पॉकेट ऐसे हैं जो थीफ हो सकते हैं, कुछ हैं कि नहीं हो सकते, लेकिन पिक पॉकेट और थीफ का क्रिमिनल का ही एक पार्ट है। तो ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बच्चा आ चुका है। अब दिमाग में आता है कि मैम इसकी एनालिसिस करके बताओ कि बाकी सारे ऑप्शन क्यों नहीं होंगे, तो करते हैं जरा। देखो अगर आपने क्रिमिनल किया, क्रिमिनल के अंदर थीफ, थीफ के अंदर पिक पॉकेट, बेटा ये जरूरी नहीं है। अभी समझाया था ना ये वाला पार्ट डायग्राम कब बनता है, यूनिवर्स इंडिया दिल्ली, इंडिया दिल्ली आनंद विहार, आ रहे समझ में, इस तरीके के पोर्शन, यानी एक का पार्ट दूसरा होगा तभी कर सकते हैं।
दूसरा कि मैम क्रिमिनल के अंदर थीफ हो गया पिक पॉकेट अलग कर दो, नहीं बेटा दोनों ही हो सकते हैं, थीफ और पिक पॉकेट दोनों ही क्रिमिनल होंगे, हो सकते नहीं है होना ही है क्योंकि वो उसी का ही पार्ट होंगे। आगे कि मैम यहाँ पर कर दो बेटा ये तो हो ही नहीं सकता था। भाई आज के सेशन में जितने भी अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास में, लेकिन आप मुझे जरूर बताना आपको सेशन कैसा लगा, क्या आपको समझ में आए बेसिक चीजें। आज भी आगे भी लेवल बाय लेवल में क्वेश्चन है मेरे पास में, कम से कम 8 to 10 लेवल हर एक रीजनिंग के टॉपिक को मैं सॉल्व कराती हूँ, और इस बात की गारंटी है कि मुश्किल से 15 to 20 डेज मैक्सिमम 25 डेज के अंदर में पूरी मेंटल एबिलिटी बहुत जबरदस्त आप सॉल्व कर सकते। चलो भाई लगे आप कहीं ना कहीं मेरे जो चैनल है उस पर आप सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और बने रहना, आगे बहुत मजेदार सा सेशन मैं आप सबके लिए लेकर आऊंगे। आई होप आपने एंजॉय जरूर किया होगा, तो आप मुझे बताना आपको सेशन कैसा लगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।